हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, बढ़िया। तो चलिए, फिर हम लोग आए हैं वापस से सॉल्यूशन का अगला भाग लेकर के। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, आज हम लोग ठीक उसी के जैसा पढ़ने वाले हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं अब पढ़ना। तीसरा जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक और नाम है, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का नाम हुआ करता था इबुलियोस्कोपी, ठीक उसी तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी एक नाम है क्रायोस्कोपी। क्रायोस्कोपी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का दूसरा नाम है। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाम जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, डिप्रेशन मतलब कमी। किस में कमी? तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। तो पहले इसमें हम फ्रीजिंग पॉइंट को जान लेते हैं, फिर हम आखिर बाद में आते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आखिरकार क्या होता है। तो चलिए, हम पहले फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कर लें। फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कर लें। फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ। तो फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मली, जैसे बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे कि वह टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस, कोई लिक्विड फ्रीज करने लग जाता है, तो हम कहते थे उसको कि फ्रीजिंग पॉइंट हुआ करता है। लेकिन ये डिफिनेशन बहुत छोटा बच्चा वाला डिफिनेशन है। तो एक्चुअली, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार एक्चुअली में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी लिक्विड का जब वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर यदि सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो लिखेंगे इसी बात को डिफाइन करके, द टेम्परेचर एट विच temperature at which vapor pressure of liquid usually हमारा solvent हुआ करता है, liquid is equal to corresponding is equal to vapor pressure of corresponding solid is called freezing point of that liquid उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो चलिए बात करें, इसमें हमने क्या लिखा? द टेम्परेचर, वैसा टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर? लिक्विड का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? उसी के सॉलिड, उसी लिक्विड का जो सॉलिड है उसका जो वेपर प्रेशर होगा इस लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। उस लिक्विड का क्या बोलते हैं? हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं, फ्रीजिंग पॉइंट हमने समझ लिया, अब इसमें डिप्रेशन, इसमें जो कमी होती है फ्रीजिंग पॉइंट में, उसकी चर्चा करते हैं। मीन्स अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए मिटा इसको, लिख लिया आपने। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए, यही टॉपिक हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? तो जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो नीचे चला जाता है, कम हो जाता है।
ठीक ना। तो जो टेम्परेचर लिक्विड का फ्रीज होने का टेम्परेचर है वो, मतलब सॉल्वेंट का, और जब उसमें आप कि नन किसी कोई भी नन वोलाटाइल जिसका वेपर नहीं बनता हो वैसा सॉल्यूट आपने मिला दिया, तो वह जो सॉल्यूशन बन गया वह सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है और कम हो जाता है। तो उसी दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोला करते हैं। तो आगे लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड से मेरा मतलब सॉल्वेंट से है, द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए कि एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मान लिया हमने कि एक हमारा यहाँ पे लिक्विड है, जो सॉल्वेंट हमारा ये लिक्विड है, सॉल्वेंट मानते हैं, ये लिक्विड है। अब क्या किया हमने इसमें, अभी इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ऐसा कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट हम मान लेते हैं टी नॉट एफ है, ठीक है। इस लिक्विड का हमने मान लिया कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, टी नॉट एफ है। अब इसमें आपने क्या किया कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिला दिया। यूजुअली जो यहाँ क्वेश्चन के अंदर वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कौन कौन लेता है, यूरिया लेता है, ग्लूकोज लेता है, फ्रुक्टोज लेता है, सुक्रोज लेता है, बस यही सब लेता है। इसको मिला दिया हमने, तो देखिए ये सॉल्वेंट में आपने क्या मिला दिया, सॉल्यूट, ये सॉल्यूट इसमें मिला दिया, तो क्या बन गया हमारा, ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन बन गया, ठीक ना। अब ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, ये जो सॉल्यूशन हमारा तैयार है, ये सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो इससे कम होगा, वो इससे कम होगा, मीन्स इसका मान लेते हैं कि टी एफ है, ठीक है। तो जो कमी होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका कम है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो ज़्यादा माइनस कम, ठीक ना। तो डिफरेंस या डिप्रेशन, डिफरेंस की बात करें, कमी की बात करें तो डिप्रेशन, डिप्रेशन की बात करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इसी को कहते हैं। तो क्या होगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, या यू लिख सकते हैं सिंपली डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये हमारा हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक ना। जैसे ये आप तो जानते ही हैं ये क्या है, ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। टी नॉट एफ जो है ये है क्या चीज़, ये है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टी एफ है ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये छोटा सा एक फार्मूला टाइप का निकल के हमारे सामने आया, तो इस चीज़ को आप क्या करें, लर्न करिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया, मिटाएं इसको। अब इसी चीज़ को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के जरिए देखते हैं।
कि आखिरकार क्या हुआ है। जो डिप्रेस हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो गई लिक्विड का, सॉल्वेंट का, जब वो सॉल्यूशन बना तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी किस कदर आ गई, क्यों आ गई, तमाम बातों को हम समझते हैं, ग्राफिकली समझते हैं। चलिए तो हम ग्राफ पे आते हैं। तो देखा जाए, जैसे ये हमारा अभी ये क्या है, प्योर लिक्विड है, ये क्या है, प्योर लिक्विड है, इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, सॉल्वेंट है। यदि यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, अभी इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है मान लेते हैं वो क्या है, टी नॉट एफ है, ठीक ना। ये हमारा क्या है, प्योर लिक्विड है, इसके टेम्परेचर को हम कम करते हैं, कम करते हैं, कम करते हैं, तो क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जो इसका वेपर प्रेशर इसी के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो उसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम, उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको कम करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, यही लिक्विड क्या आएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ठीक ना। अभी क्या है, ये प्योर सॉलिड है, इसी से बना हुआ चीज़ है। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं। इसमें क्या किया हमने, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, तो क्या होगा, ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया, ये क्या बन गया, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बन गया। अब जब हम बात करते हैं कि इसको वापस से टेम्परेचर कम करते हैं, इसका क्या करते हैं, टेम्परेचर हम कम करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, अभी ये सॉल्यूशन है लिक्विड स्टेट में है, सॉल्यूशन है लिक्विड स्टेट में है, अब इसके टेम्परेचर को हम कम करेंगे, तो जितना टेम्परेचर को कम करके इसको फ्रीज किया था सॉलिड स्टेट में, ये लिक्विड आया था, उससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर हमें इसमें कम करना पड़ेगा, है ना। अभी पढ़ाई इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यदि इसका फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ है, अब इसको हमने क्या किया, फिर से वापस से सॉल्यूशन को फ्रीज किया, ठीक ना, इस सॉल्यूशन को फ्रीज किया, तो ये हमारा सॉलिड बन गया, क्या बन गया, सॉलिड बन गया, ये सॉलिड बन गया, ठीक ना, ये क्या है हमारा, सॉलिड सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन। अब जरा गौर करें आप, यदि हम आपको आपसे पूछें कि बताइए कि इसका टेम्परेचर कम होगा या इसका टेम्परेचर, दोनों सॉलिड स्टेट में है, दोनों फ्रीज किया हुआ जमा हुआ है, यदि वाटर है तो ठीक है, ये क्या है, आइस है, वाटर का ये यदि इसमें नॉन वोलेटाइल हमने मिला दिया, चलिए कोई मिला देते हैं ग्लूकोज मिला देते हैं, ग्लूकोज मिला देते हैं, तो ये ग्लूकोज का वाटर सॉल्यूशन का ये सॉलिड है। अब दोनों में किसका टेम्परेचर कम होगा, दोनों आइस का ये सॉल्यूशन है और ये आइस है, तो दोनों में इसका कम होगा, ठीक ना। तो बचपन में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन यूज़ करते थे उस एग्जाम्पल को, जैसे देखिए हम कुछ एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं आपको, आपके सामने में, कि जैसे हम लोग बचपन में कुल्फ़ी खाते थे, मटका कुल्फ़ी, ठीक ना। तो आपने गौर किया होगा कि जब जिस वक्त वो निकाल के उस डब्बे में से, डब्बा नुमा रहता है, लाल कलर का कपड़ा ऊपर डाला रहता है उसके ऊपर, तो उसमें से निकालता है वो, है ना, उसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा हीटअप करता है, फिर उसको निकालता है, फिर चाकू से काट के देता है खाने को। तो जब हम लोग खाते हैं उसको, तो जब फर्स्ट बाइट आप लीजिएगा उसका, तो थोड़ा नमकीन भी लगता है, थोड़ा क्या होता है, नमकीन नमकीन फील होता है। क्यों होता है वो, क्या उस चीनी में नमक मिलाता है वो, ऐसी बात नहीं है। वो क्या करता है, चूँकि वो तो ठेला पे लेके चलता है, ठेला पे लेके चलता है, तो वहाँ पे तो फ्रीज़र होता नहीं है उसके पास, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, नेचुरल होता है, वो आइस के ऊपर रखा रहता है, ठीक ना। तो आइस की कैसे, तो जो हम लोग दूध उसमें क्या मिलता है, यदि हम बात करें कुल्फ़ी का, तो उसमें क्या डालता है, वो मिल्क डालता है, दूध डालता है, मिल्क डालता है, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालता है, चीनी डालता है, है ना, इसमें शुगर डालता है वो, और क्या डालता है, ड्राई फ्रूट, ये सब डालता है।
अब ये सब डाल के उसने क्या बनाता है, कुल्फी। इसमें बनता है कुल्फी, ठीक है, आइसक्रीम बनता है, कुल्फी बनता है। अब चूंकि ये तो क्या बन गया, फिर से सॉल्यूशन तैयार हो गया, या जी हम मिल्क को समझे क्या है, हमारा सॉल्वेंट। और ये सब शुगर, ड्राई फ्रूट्स, ये सब क्या हो गया, सॉल्यूट। अब सॉल्यूट आपने मिला दिया तो इसका टेम्परेचर और क्या होगा, बहुत ज़्यादा, इससे तो कम पे। यदि मान लीजिए कि ये यदि कोल्ड करता है, मतलब ये फ्रीज करता है -1 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज करता है मिल्क का, तो अब ये सब मिलाया तो अब क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट इसका माइनस कितना हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस और या -2.5 डिग्री सेल्सियस, इतना तक घट जाएगा। तो ज़रा गौर करें कि ये जो -1 डिग्री सेल्सियस पे ये पहले जमा करता था, सिर्फ मिल्क था तब, अब आपने इसमें ये सब सॉल्यूट मिला दिया, ये सॉल्यूट मिला दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, और कम हो गया। तो क्या जो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे हुआ करता है, यदि वो आइस का प्योर, हम प्योर सॉलिड लेंगे आइस का, उतना पे हम इस, ये जो हमारा सॉलिड है कुल्फी, उसको उस पर रखेंगे तो क्या ये रहेगा, नहीं रहेगा, ये तुरंत क्या बन जाएगा, ये तुरंत बन जाएगा वापस से इस मिल्क फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग, है ना, जो एक्चुअली कुल्फी बेचता है वो, ठीक है ना, क्या करता है, वहाँ पे कुछ ऐसा सॉलिड का वो सॉल्यूशन का सॉलिड लेता है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो, यूजुअली जो आइस वाला वाटर है उससे कम होता है। तो क्या करता है वो, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह मिला देता है, है ना, वो जो सॉल्यूशन आइस का रखता है, वो जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है, वो आइस प्योर नहीं होता, वो क्या होता, वो सॉल्यूशन का आइस बनाया रहता, और वो यूजुअली फ्रीजर यहाँ यूज NaCl करता है, ठीक ना, वो वाटर जो लिया करता है, वाटर है ना, इसमें वो उसने NaCl डाल देता है, नमक सस्ता भी पड़ता है ना, और इसलिए इलेक्ट्रोलाइट भी है, 1 मोल 2 मोल दे देगा, ज़्यादा सॉल्यूट देगा तो, है ना। अब इसका क्या होता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है इस सॉल्यूशन का, आइस का 0 डिग्री सेल्सियस हुआ करता है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाता है, और डिप्रेस हो जाता है, तो ये जो हमारा सॉलिड तैयार हुआ, सॉलिड सॉल्यूशन, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम रहता है, वो और ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कम रहता है। तो यही वजह है कि ये जो मिल्क का जो कुल्फी बनता है, इसमें ये सब एज ए सॉल्यूट कुल्फी, तो वो उसको क्या करता है, वैसे आइस पे रखता है जिसमें पहले से क्या मिला हो, नमक वगैरह मिला हो, NaCl मिला हो, इसीलिए यही वजह है कि वो चलता फिरता फ्रीजर जैसा काम करता है, किसके लिए, कुल्फी के लिए, और वो हमारा अच्छा रहता है। तो बचपन में खाया करते थे, जवाब अब मिला कि अब हमें पता चला कि आखिरकार वो नमकीन क्यों लगता था। कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे जो बहुत ठंडा कंट्री होता है, बहुत जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर हुआ करता है, तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती हैं, जैसा कि आप जानते हैं, तो वहाँ पे गाड़ी में क्या होता है, वाटर, यहाँ हम लोग अपने तरफ इंडिया में क्या करते हैं, जो रेडिएटर होता है, जो इंजन को कूलेंट के रूप में, इंजन को कूल करता है, ठीक ना, तो उसमें क्या करते हैं, वाटर डालते इधर, लेकिन जो वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, ठीक है, जैसे उधर रशिया की तरफ, साइबेरिया वगैरह में, मतलब जिधर ठंडा बहुत पड़ता है, उधर माइनस में टेम्परेचर होता है, तो उधर क्या करते हैं, उस वाटर के अंदर इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला देते हैं, ठीक ना, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकॉल जब वाटर में मिल जाता है तो वो सॉल्यूशन तैयार हो गया हमारा, और सॉल्यूशन तैयार हो गया तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर और डाउन कर गया, और फॉल कर गया, मतलब वो जमेगा नहीं, ऐसे ही उसका टेम्परेचर, इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, इसकी वजह से क्या होता है, उसको हमें एज ए एंटी फ्रीज पूछता है क्वेश्चन, ठीक ना, ये जो हमने अभी लाइन बोला, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, कई दफ़ा पूछता है, तो आप समझ जाएंगे कि इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, CH2OH, एक और इसमें CH2OH जोड़ दें, मीन्स C2H6O2, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक ना, ये हमारा क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करते हैं, वाटर में मिला देते हैं, और वाटर में जो है ये मिलाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर और घट जाता है उसका, मतलब जो फ्रीज करने का टेम्परेचर और घट गया, बहुत घट गया, तो अब वो नॉर्मली फ्रीज नहीं होगा, तो वहाँ पे कूलेंट के रूप में हम यूजुअली इथाइलिन ग्लाइकॉल का सॉल्यूशन तैयार करते हैं, और रेडिएटर में, है ना, कार के रेडिएटर में उसको डालते हैं, ठीक ना। तो यहाँ भी एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल को समझते हैं कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का क्या फ़ायदा है। जैसे अपने तरफ तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ यूजुअली नहीं फॉल करता है, जो स्नोफॉल होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन
जो इधर बहुत ठंडा है, ठंडे प्रदेश में, इंडिया में भी है, शिमला वगैरह में है ना, तो हिली एरियाज में, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ मोटी मोटी है ना बर्फ़ की परत जम जाती है सड़क पे, रोड पे। तो क्या करता है वहाँ पे कि जो वहाँ पे आप देखे होंगे, आप है ना समझते होंगे बातों को, कि क्या करेगा, सड़क को साफ़ किया जाता है बर्फ़ को हटाने का, बहुत बड़े बड़े मशीन लगाया जाता है। तो क्या करता है कि उस पे बर्फ़ पे यदि हम ऐसे भी आइस पे कोई भी सॉल्ट का सॉल्यूशन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन यदि डाल दें, क्योंकि चूंकि सस्ता पड़ता है हमारा सोडियम क्लोराइड, बहुत आसान है, तो सोडियम क्लोराइड को ही मान लेते हैं का उसका सॉल्यूशन है, उस पे यदि हम स्प्रे कर दें, छिड़काव कर दें किस पे, बर्फ़ पे, तो क्या होगा, जो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे जमा हुआ था, अब उसमें क्या मिला दिया आपने, सॉल्यूट मिला दिया, NaCl मिला दिया, तो क्या होगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर और घट गया उसका, ठीक ना। तो क्या होगा, वो जल्दी से इजिली पिघल जाएगा, क्या होगा, इजिली वो पिघल जाएगा और रास्ता हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कुछ एग्जांपल्स था, जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ था, उसको हमने समझा, उसको सीखा। चलिए इसी को कर्व के ड्रॉ करके हम इसी के जरिए इसी को कर्व को ड्रॉ करके हम लोग समझें बातों को। तो देखिए हमने क्या कहा आपसे, हमने आपसे बात किया अभी कि ये प्योर सॉलिड है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर है T0F। इसी को यदि हम फ्रीज करते हैं तो ये प्योर सॉलिड है। इसमें हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया, ग्लूकोज का मिला दिया, फ्रुक्टोज का मिला दिया, यूरिया का मिला दिया, है ना, और कोई मिला दिया, तो ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है, कम होता है इसका टेम्परेचर। इसको जब हम जमाएंगे तो और हमें जितना हमें इसको ठंडा करना पड़ा था उससे कहीं ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा इस सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन बनाने में, ठीक है। चलिए एक कर्व ड्रॉ करते हैं, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। इधर हमने टेम्परेचर लिया, इधर हमने क्या लिया, वेपर प्रेशर लिया, ठीक है। अब जरा गौर करते हैं, देखते हैं, ठीक ना, इधर हमारा वेपर प्रेशर है। अब देखिए ये हमारा क्या है, सॉलिड, प्योर सॉलिड है, तो इसका कुछ ना कुछ तो वेपर बनता होगा इसमें। ऐसा नहीं है कि सॉलिड का वेपर नहीं बनता है ना, इसका कुछ तो वेपर होगा, हाँ कम होगा लेकिन वेपर तो होगा। इसका वेपर बहुत ज़्यादा होगा, इसका वेपर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इसके टेम्परेचर को हम घटाएंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे यहाँ पे, रिड्यूस करेंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे, तो क्या होगा, यही क्या बन जाता है, सॉलिड, लिक्विड सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, टेम्परेचर फ्रीज कर जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट पर जा करके। तो यदि इसका हम कर्व देखें और इसका भी कर्व देखते हैं, ठीक है, तो चूंकि इसका कर्व क्या है, इसका वेपर प्रेशर बहुत कम है, वेपर आइस का जो है मान लीजिए आइसी है, तो ये वेपर बहुत कम होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आइस का वेपर नहीं बनता, बनता है लेकिन कम बनता है, तो ये वेपर प्रेशर कम देगा। तो इसका कर्व कैसा होगा, स्टीपर होगा। यदि मान लेते हैं कि इसका कर्व हम देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्टीपर बनाते हैं ऐसा, ठीक ना। ये कर्व का यहाँ पे क्या है, इसका ये वेपर प्रेशर है, मान लेते हैं इसका पी नॉट, मान लेते हैं कुछ ऐसे ही मान लिया हमने, ठीक है। ये किसका है, ये हमारा है फ्रोजन, या यू कहें इसका सॉलिड, सॉलिड सॉल्वेंट का, ये सॉलिड सॉल्वेंट का कर्व है। अब हम बात करते हैं इसी में, समझ में आ रही बात ये, अब हम इसी के प्योर लिक्विड को जरा करके देखें, तो प्योर लिक्विड का क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे वेपर प्रेशर बहुत तेज़ी से फॉल कर रहा है, बहुत तेज़ी से फॉल कर रहा है, और टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं। यहाँ पे देखा जाइए तो ये टेम्परेचर यहाँ इसका और इधर आया है यहाँ से, तो टेम्परेचर कम किया है, तो ये वेपर प्रेशर बहुत तेज़ी से फॉल किया है ना। ऐसा कर्व है, स्टीपर ज़्यादा है, स्लोप बहुत है ना ज़्यादा है, यहाँ पे स्टीपर ज़्यादा है, तो क्या हुआ, बहुत तेज़ी से वेपर प्रेशर कम हुआ, क्योंकि हाँ इसका वेपर प्रेशर बहुत तेज़ कम होगा, क्योंकि ये सॉलिड है, वेपर बहुत कम बनाएगा तो प्रेशर भी कम लगेगा। अब हम इसी के लिक्विड की बात करें, इसका कर्व ड्रॉ करके देखें तो कैसा होगा, इसका कर्व थोड़ा सा यदि टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या होगा, कम वेपर प्रेशर तो होगा लेकिन इतना तेज़ी से नहीं होगा, तो कुछ इस तरीके का होगा यह कर्व, कुछ इस तरीके कर्व होगा। तो देखिए यह किसका है, यह हमारा प्योर लिक्विड का है, ये किसका है, प्योर लिक्विड का या सॉल्वेंट का, ये प्योर सॉल्वेंट का है, सॉलिड का ही है, इसी का सॉलिड स्टेज का ये।
अब देखिए ये जो वेपर प्रेशर का कर्व है, इधर वेपर प्रेशर है, ये कर्व इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, सॉलिड के वेपर प्रेशर से मैच कर रहा है। ये जो पॉइंट लाइन है वो प्योर लिक्विड का इसका है और ये सॉलिड का है, ये सॉलिड का है, और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस प्योर लिक्विड का कर्व यहाँ पे मैच कर रहा है, मतलब यहाँ बराबर हो रहा है। तो आपको डिफिनेशन हमने बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, उसी टेम्परेचर क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है, ये क्या है, ये टी नॉट एफ है, इसके फ्रीज होने का टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड प्योर लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग सॉलिड। तो ये वो पॉइंट है, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, और इसको हम डेल्टा, यहां देखिए टी नॉट एफ से डिनोट करते हैं इसको, ठीक ना। अब हम क्या, हमने क्या किया कि यहां पे इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया, क्या किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया। अब आपको पता है कि क्या होता है कि जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं नॉन वोलाटाइल, तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, जिसको हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक ना। तो अब इसमें यदि आप, हम इसका कर्व ड्रॉ करना चाह रहे हैं इसका, तो क्या होगा, इसके वेपर प्रेशर, ये कर्व हमारा किसका है, वेपर प्रेशर का, तो ये जो कर्व है हमारा, तो ये नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्यों, वेपर प्रेशर कम बन रहा है, ठीक है। तो अब इस लिक्विड की बात करते हैं, ये जो वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का, अगर हम इसकी बात करें तो ये कर्व कुछ इस तरीके का आएगा, ये क्या है, ये सॉल्यूशन का है, इसका है, है ना। अब देखा जाए तो कहाँ पे कट कर रहा है, ये इस लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे, कौन, इस किसका कर्व है, ये है सॉल्यूशन का, लिक्विड स्टेट में जो सॉल्यूशन है, इस प्योर लिक्विड से जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद जो बना है, उसका ये कर्व है। क्यों, वेपर प्रेशर घट रहा है, हाँ घटा है, ऑब्वियस सी बात है, जो प्योर का था वेपर प्रेशर उससे क्या हो गया, हमारा कम हो गया, है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये टेम्परेचर किसका है, प्योर सॉल्वेंट का, जमने का टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट का। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, और घट गया टेम्परेचर, क्या हो गया, घट गया, मीन्स ये टी एफ मिल गया हमें सॉल्यूशन का, टी एफ, ठीक ना। अब इधर देखा जाए, यहाँ पहले था टी एफ नॉट, टी एफ नॉट किसका टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, प्योर लिक्विड के फ्रीज होने का, प्योर लिक्विड सॉलिड स्टेट में आएगा उसका टेम्परेचर है ये, फ्रीज होने का, और ये किसका टेम्परेचर है, है ना, ये है हमारा सॉल्यूशन का फ्रीज होने का। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आप देख सकते हैं, ये वेपर प्रेशर पीएस घट गया, ठीक ना, वेपर प्रेशर इतना से घट गया, इतना से घट गया, टेम्परेचर घटाया, इतना टेम्परेचर घटाया, वेपर प्रेशर घट गया, सॉल्यूशन है, क्लियर है बात। ऐसे भी ये जो टेम्परेचर है हमारा, ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर है, ये है 25 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ रही बात है। तो ये जो पहले था टी एफ, टी एफ नॉट, टी नॉट एफ, और ये एफ टी एफ, तो ये जो डिफरेंस है दोनों का, इसमें इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ, ये हमारा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डेल्टा टी एफ है, क्लियर है बात, समझ में आ रही है। आपके मन में होता होगा कि सर आखिरकार क्या वजह है, है ना, आपको जैसे हमने बताया था कि जब हमने वेपर प्रेशर पढ़ा था, ठीक है, चीज़ों को समझते हैं तब लिखिएगा, तो जैसे कि हम लोगों ने, ये समझने वाला टॉपिक है, चीज़ों को समझ लेंगे तो लिखना क्या है, वो तो हमें याद ही हो जाएगा, ठीक ना। तो जैसे हमने पढ़ाया था, आपको बताया था, हम लोग जब डिस्कस किए थे क्या चीज़ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो उसमें क्या कहा था हमने कि रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो उसमें कहा था कि ठीक है कि जो सॉल्वेंट है उसका कुछ सरफेस एरिया को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑक्यूपाई कर लेता है, उसके साथ नया बॉन्ड बनता है, एंगेजमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वो वेपर स्टेट में आने से बचता है, वेपर प्रेशर कम बनाता है, इसीलिए वेपर प्रेशर में कमी आती है, जिसको हमने कहा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ था। तो यहाँ क्या वजह है ना, यहाँ क्या होता है, तो थोड़ा सा हम समझने की बात करें कि आखिरकार क्या हुआ है, है ना, कि ये जो हमारा सॉल्यूशन का, है ना, यहाँ पे, अच्छा ये देखा जाए, ये जो पॉइंट है,
ये क्या है, यहाँ तो हमारा क्या है लिक्विड का, प्योर लिक्विड का, और ये क्या है सॉल्यूशन का है। ये कर्व किसके से मैच कर रहा है, इसके बाद यहाँ के बाद हम बात करें इधर तो क्या है, यहाँ के बाद ये सॉल्यूशन है ना, ये हमारा है सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, इधर क्या हो गया सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक ना, क्योंकि इधर तो फ्रीज कर रहा है, अब इसके बाद सॉल्यूशन का आ गया तो इधर हमारा सॉल्यूशन दिया। तो क्या वजह है कि वेपर प्रेशर आखिरकार, या फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट के टर्म में बात करें क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसका आखिरकार कमी हो रहा है किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट जो टी नॉट एफ था वो टी एफ हो गया, घट गया, इधर आ गया, शिफ्ट कर्व इधर कर गया, आखिरकार क्या ऐसा हुआ होगा। तो क्या होता है जरा हम थर्मोडाइनमिकली इस चीज़ को सोचें तो एंट्रोपी, एंट्रोपी होता है रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस, है ना, हम लोग थर्मोडाइनमिक्स में 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ देखा जाए क्या होता है, अभी इसका एंट्रोपी क्या है, जब ये सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है और सॉल्यूशन होने से पहले हम दोनों का एंट्रोपी, इसका और इस सॉल्यूशन का एंट्रोपी को चेक करें, समझे बातों को, तो क्या होता है इसका एंट्रोपी, इसका जो प्योर स्टेट लिक्विड का एंट्रोपी है और ये सॉल्यूशन का एंट्रोपी है, दोनों में इसका ज़्यादा है। एंट्रोपी मॉलिक्यूल क्या हो गया, रैंडमनेस बढ़ गया, रैंडमनेस बढ़ गया, एंट्रोपी बढ़ गई उसकी, मतलब इसमें जो केमिकल एनर्जी है, इसका केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी इस सॉल्यूशन का वो बढ़ गया, ठीक ना, वो बढ़ गया। अब एंट्रोपी बढ़ गया, अब इस चीज़ को हम सॉलिडिफाई करते हैं, इसको हम सॉलिडिफाई करते हैं बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, तो क्या होता होगा इसके मॉलिक्यूल पास में आता होगा। ऐसे हम आपसे पूछना चाहें सिंपली कि बताइए कि जो सॉलिड स्टेट में है और जो लिक्विड स्टेट, दोनों में एंट्रोपी किसका ज़्यादा है, आप कहेंगे सर लिक्विड का है, सॉलिड का मॉलिक्यूल पास पास में, उसके मॉलिक्यूल का डिसऑर्डरनेस कम है, ये एक इसका ऑर्डर्ड फॉर्म है, ये क्या है इसका ऑर्डर्ड फॉर्म है, ठीक है, जब ऑर्डर्ड फॉर्म है तो एंट्रोपी कम होगा, है ना, एंट्रोपी कम होगा, या फिर कहें केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल इसका क्या हो, केमिकल एनर्जी इसका कम है। तो यही वजह है, यही वजह है कि जब हम सॉल्यूशन को फ्रीज करते हैं, जब हम प्योर स्टेट को फ्रीज करते हैं तो जो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट आता है, फिर जब सॉल्यूशन को फ्रीज करते हैं तो टेम्परेचर हमें मिलता है फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर, तो वो इसका और कम हो जाता है क्योंकि इसका एंट्रोपी बढ़ जाता है, इसका केमिकल पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है, केमिकल एनर्जी बढ़ जाती है, उसको कम करने में हमें ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, ज़्यादा टेम्परेचर को और रिड्यूस करना पड़ता है। इसीलिए यही वजह है कि क्या होता है कि टी एफ इज लेस देन टी नॉट एफ। क्लियर है बात, पूरा क्लियर हुआ, चलिए तो इसको आप ड्रॉ करिए इस ग्राफ को, कर्व को, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, चलिए आप ड्रॉ कर लीजिए तेजी में करिए। ठीक ना, ये बराबर हम लोग क्या करते थे, ये फार्मूला निकल कर आता था। चलिए तो इसको ड्रॉ कर लीजिए, कर लिया ड्रॉ, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, मिटाएं इसको। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, सारी बात एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ क्लियर इस पे हो गया थ्योरी तो आपका क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा, यहाँ कंफ्यूजन रह गया तो क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल नहीं बनेगा आपसे। इसीलिए थ्योरी पढ़ते समय कहीं से भी कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में व्हाट टू बी एंड नॉट टू बी का कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए अब राहुल साहब के अकॉर्डिंग हम देखें, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऐसा देखा गया है, ठीक ना, कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलालिटी के, मोलालिटी के। या आगे बढ़े हम यहाँ पे कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे ये एन एफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। यहां से एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या देख रहे हैं आप कि ये जो डेल्टा टी एफ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था कि वैसा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो
नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पर निर्भर करता है, उसे क्या बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस पॉइंट से, इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसको आगे की तरफ बढ़ें हम, इसको और आगे थोड़ा बढ़ाएं तो डेल्टा टी एफ, अब बराबर करते हैं इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन कोट आते हैं तो एक कांस्टेंट आती है के एफ, और यहाँ क्या है एन ऑफ सॉल्यूट बटे डब्ल्यू, क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जैसा कि हम 11th क्लास में मोल कंसेप्ट में पढ़ा करते हैं एन ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम बटे मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो इसको यदि डेल्टा टी एफ की बात और आगे चल के करें तो ये के एफ है इनटू ये क्या लिखेंगे डब्ल्यू जी सॉल्यूट का बच्चे, इसी का मॉलिक्यूलर मास, ऐसे लिखें थोड़ा सा आपको क्लियर ज़्यादा होगा, इसको ऐसे करें मॉलिक्यूलर मास, ये क्या हो गया सॉल्यूट एन का, और इनटू यदि ये ग्राम में दिया हुआ है डब्ल्यू इन ग्राम सॉल्वेंट का, तो क्या करें इसको थाउजेंड से डिवाइड करके केजी बनाएंगे वापस से, तो ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा मैथमेटिकली। तो ये हमारा एक फार्मूला निकल के सामने आ गया, एक फार्मूला निकल के सामने में आ गया, आप इसको ध्यान रखेंगे ठीक ना। जहाँ पे कौन क्या चीज़ है ज़रा हम उसकी बात कर लें, ये जो यहाँ लिख देते हैं इसी के, ये जो डब्ल्यू जी है क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वही है ना वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू जी क्या है वेट ऑफ किसका है सॉल्वेंट का इन ग्राम। एम डब्ल्यू क्या है ये मॉलिक्यूलर मास है किसका सॉल्यूट का सॉल्वेंट का, यस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और क्या चीज़ है के एफ है ना, और डेल्टा टी एफ को तो हम जानते ही हैं, डेल्टा टी एफ क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बहुत देर से देख रहे हैं इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये के एफ जो हमारा ये है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या है ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ऊपर क्रायोस्कोपी लिखा था क्रायोस्कोपिक क्रायोस्कोपिक क्या लिख दिया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी होगा ठीक ना। अब थोड़ा सा जैसे इस फॉर्मूला को तो हम समझ गए, दूसरा फार्मूला हमारा आया ठीक है निकल के, अब जरा हम इस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं ठीक है। लिख लिया इसको मिटाएं, चलिए अब हम थोड़ा सा हेडिंग देते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट के एफ, इन्फॉर्मेशन अबाउट के एफ, इन्फॉर्मेशन अबाउट के एफ। तो पहला हम बात करने वाले क्या चीज़ डिफिनेशन, डिफिनेशन ऑफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का है ना। तो चलिए जैसा कि अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। यदि हम मान लेते हैं कि मोलालिटी जो हमारा है वो वन है, मोलालिटी वन का मतलब क्या हुआ जरा समझेंगे कि एक केजी हमारा सॉल्वेंट का ये क्या है, ये वन केजी किसका है सॉल्वेंट। इस वन केजी सॉल्वेंट के अंदर जब हम सॉल्यूट का वन मोल सॉल्यूट मिला दिया तो हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा क्या है वन मोलल। जब एक केजी या आप कह सकते हैं 1000 ग्राम
ऑफ सॉल्वेंट में वन मोल सॉल्यूट का मिला दिया, वन मोल सॉल्यूट का मिला दिया तो क्या होगा, वन मोलल। तो अब देखते हैं क्या हमें मिला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं क्या, यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जब हम किसी एक मोलर सॉल्यूशन का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही क्या होता है, के एफ हुआ करता है। तो लिख सकते हैं कि मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वन मोलल सॉल्यूशन। क्लियर है बात, है ना, डिफाइन हम लोग कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं, इसके यूनिट पे आते हैं। नोट खो गया, नोट कर लिया, आगे बढ़े, समझ में आ रही बात है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब यूनिट, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ के एफ, यूनिट ऑफ के एफ नेक्स्ट पॉइंट में हमारा। तो जैसा जानते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू एम, है ना, यहाँ से एम, यहाँ से क्या होगा, के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ बाय एम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर है ना, तो इसका यूनिट क्या होगा, केल्विन पर मोल, है ना, पर मोलल कहें, या इसका क्या होता, मोल पर केजी, ये क्या होता अभी, मोल पर केजी। तो यूनिट हमारा क्या होगा, केल्विन, केल्विन केजी, ये ऊपर चला जाएगा, मोल नीचे में रहेगा, तो केल्विन केजी पर मोल। तो ये हमारा इसका क्या हो गया यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट करें इसके बारे में कि के एफ इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ, ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी हुआ करता है के एफ, ठीक ना। नेक्स्ट बात करें, इसको मिटा दें, लिख लिया। चलिए अब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, किसका कैलकुलेशन की बात करते हैं, के एफ को नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ के एफ। तो थर्मोडायनामिक रिलेशन को हम देखें फ्रॉम थर्मोडायनामिक रिलेशन, तो के एफ क्या होता है फॉर्मूला, जैसे हम हमने के बी के बारे में बोला था आर टी बी नॉट स्क्वायर, तो उस तरह से यहाँ भी करेंगे आर टी एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई थाउजेंड इंटू एल एफ, वहाँ एल भी किया था यहाँ टी भी किया था, ठीक है। तो थोड़ा सा और जान लें, इसी एल एफ है वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा एच फ्यूज़न, इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, बाय मॉलिकुलर मास, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम इसमें पुट कर दें तो क्या मिलेगा हमें, आर टी एफ नॉट स्क्वायर इंटू थाउजेंड इंटू डेल्टा एच एफ, और ये मॉलिकुलर वेट ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा,
MW। तो ये हमारा एक फार्मूला निकल के सामने आ रहा है, ये KF निकालने का फार्मूला, जहाँ पे हम बात करें कौन क्या चीज़ है। तो KF को तो जानते ही हैं, ये हमारा क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये R के बारे में, ये UGC है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका SI यूनिट क्या लेंगे वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू लेना है आपको। यहाँ देखा जाए LF क्या है, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, इसको आपको पर ग्राम में लेना है। ये डेल्टा HF क्या है, ये है इन्थैल्पी ऑफ फ्यूज़न, ये पर मोल के हिसाब से आपको लेना है, ठीक है। और MW क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास किसका है, सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का, मॉलिक्यूलर मास ही किसका है, सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का, प्रॉपर्टी किसका है, ये सॉल्वेंट का है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सब कुछ का लिटरल मीनिंग हम लोग देख लिया हमने, तो चलिए इसको नोट कीजिए, है ना। एक लाइन और आप ऐड करना चाहेंगे, है ना, चलिए इसको पहले लिखिए, आप नीचे से इसको लाइन को यहाँ लिखेंगे नीचे से, कि वैल्यू ऑफ, ऐसे ये क्वेश्चन में दिया रहता है लेकिन फिर भी आपको याद रखेंगे इस चीज़ को, KF फॉर वाटर, वाटर के लिए सबका वैल्यू ध्यान रखेंगे आप, दिया हो या ना दिया हो उस पर डिपेंड नहीं रहना है, याद रखना है। तो क्या होता है वो, KF फॉर वाटर कितना होता है, KF फॉर वाटर 1.86 केल्विन KG पर मोल, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए तो इस बात को अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेके आते हैं। लिख लिए, मिटाएं इसको, चलो इसको मिटाते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं ना। तो हमारा एलिवेशन इन सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यहीं पे ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, ताकि हमें क्वेश्चन के माध्यम से भी फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने का तरीका मिल जाए, समझ में आ जाए किस तरीके से फार्मूला का इम्प्लीमेंटेशन हुआ करता है, कंसेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है, हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हम डालते हैं आपको हमेशा, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन कंटेनिंग, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मॉलिकुलर फार्मूला दिया उसने C6H12O6 इन 250 ग्राम ऑफ वाटर विल फ्रीज एट, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर विल फ्रीज एट, कितना टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा वही निकालना हमें।
मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। गिवन क्या क्या क्वेश्चन के अंदर जरा उसकी बात कर लिया जाए पहले। तो उसने वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है ग्राम में कितना, 54 ग्राम ग्लूकोज का। वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है कितना, 250 ग्राम वाटर का, ठीक है। और इसमें उसने के दिया रखा दे रखा है एक और इन्फॉर्मेशन, के एफ का वैल्यू दे रखा है वाटर के लिए 1.86, ये वैल्यू उसने दे रखा है, ठीक है, इतना चीज़ दे रखा उसने। तो जैसा कि हम समझते हैं बातों को कि टी एफ टी नॉट एफ वाटर के लिए कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, ये तो हमें मालूम ही है, ये हमें मालूम है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू जी बाई एम डब्ल्यू इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब यहाँ ग्लूकोज है हमारा, तो एम डब्ल्यू कितना होगा, हमने कहा था याद ही कर लो इसको, बार बार जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, C6H12O6 कितना होगा, 72 प्लस 12 प्लस 96 180, याद कर लो 180 होता है ग्लूकोज का। तो इसको 186 इंटू 54 बाई 180 इंटू 1000 बटे ये कितना है, 250 250, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 18 थ्री जा 25 है, ये 10 है, 5 टू जा 5 जा, कहने का मतलब कितना है, 1.86 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। जब इसको आप डिवाइड वगैरह करेंगे तो जो वैल्यू निकल के सामने आ रही है वो वैल्यू क्या है, वो आएगी आपको 2.232, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं, यहाँ से डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या मिल निकल के आया, 2.232। अब डेल्टा टी एफ क्या था, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये प्योर सॉल्वेंट का है, 2.232। अब यहाँ से देखा है तो टी एफ क्या होगा, टी एफ नॉट का जो वैल्यू होता है माइनस इतना, तो यदि चलिए हम इसकी बात करें, 273 माइनस 2.232 जो क्या होगा, 270 पॉइंट, ये माइनस है ये पॉइंट है, तो इसको यदि हम घटाएंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 270.6768 आएगा केल्विन में, केल्विन में हो गया। यदि डिग्री सेल्सियस में लिखना चाहते कितना होगा, माइनस 2.232 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आ गया, केल्विन में ये, डिग्री सेल्सियस में ये, तो हमें आंसर मिल गया, क्लियर है बात। इसमें क्वेश्चन को देखें वापस से, तो इसके अंदर वेट दिया हुआ था ग्लूकोज का, सॉल्यूट का, वाटर का दिया हुआ था, के एफ का वैल्यू दे रखा, उसने पूछा कि बताइए सॉल्यूशन का टेम्परेचर, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना है, तो माइनस 2.232 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये जो सॉल्यूशन है वो जाके फ्रीज करेगा। एक और क्वेश्चन ले, क्लियर है बात, समझ में आ गई, चलिए एक और क्वेश्चन हम देते हैं, मिटाते हैं इसको। कंसेप्चुअल चीज सब है, कंसेप्ट को सीखने की कोशिश प्रयत्न करें, समझें, तो फिर आपका आपके पास नॉलेज की कमी नहीं रहेगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि फॉर वाटर, क्वेश्चन है के एफ फॉर वाटर इज 1.86, हम लोग को पता है केल्विन केजी पर मोल, ये वैल्यू दिया। इफ़ योर ऑटोमोबाइल, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये अच्छे एग्जाम में, इफ़ योर ऑटोमोबाइल मतलब आपका गाड़ी रेडिएटर
होल्ड 1 kg वाटर देन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल जैसा कि आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम है C2H6O2 मस्ट बी एड टू गेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लोअर्ड टू -2.8 डिग्री सेल्सियस। क्या कहता है क्वेश्चन, जरा हम फिर समझे बातों को। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारे गाड़ी का जो रेडिएटर है उसके अंदर 1 kg वाटर रखने का कैपेसिटी है, ठीक है। उसमें कितना आप इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाएं, इसका अमाउंट पूछ रहा है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का कितना मिलाएं, ताकि अब जो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का जमने का टेम्परेचर था उससे और घट करके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाए, -2.8 डिग्री सेल्सियस हो जाए। क्वेश्चन यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है, गिवन सॉल्यूशन की बात करें, गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, तो उसने दे रखा है कैपिटल W इन ग्राम, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम दे रखा है वाटर का, KF उसने दे रखा है 1.86 केल्विन kg पर मोल दे रखा है। फिर उसने अच्छा ये इथाइलिन ग्लाइकॉल का, चलिए तो मॉलिक्यूलर मास निकाल ही लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल का, C2H6O2 12 + 6 + 32 कितना हुआ, 62, ठीक है। अब यह इसने क्या दिया, TF दिया, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कर रहा है, घट कितना हो जाने से, -2.0 से कितना होना चाहिए, -2.8 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए। तो इसके लिए कितना आप मिलाएं, क्या वेट ऑफ सॉल्यूट बताएं, कितना मिलाएंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना मिलाएंगे। तो हमारे पास फार्मूला है, क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WG, यही निकालना है, बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000/W इन ग्राम सॉल्वेंट का। अब ये क्या होगा, TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू 1.86 इंटू WG बटे 62 इंटू 1000/, ये कितना है वाटर, कितना 1 kg 1000 ग्राम, तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। अच्छा ये हमें दिया, ये 0 डिग्री हुआ करता है, ठीक ना, 0 माइनस कितना, -2.8 इज इक्वल टू 1.86 इंटू WG बाई 62। यहाँ से करें तो क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट WG तो माइनस में प्लस हो गया, तो WG कितना होगा हमारे पास, 62 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाय 1.86। इसका यदि वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा 93.33 ग्राम, तो हमारा आंसर आ गया। इतना ग्राम आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाना पड़ेगा उसमें, तब जाके उसका टेम्परेचर घटे कितना होगा, -2.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। क्लियर हुआ बात, समझ आ गई, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, रिविज़न करें, नोट बनाएं, ठीक ना। चलिए ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके, थैंक यू।